प्रदेश के शिमला के रिज मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में एनएसएस के कैडेट्स की टुकड़ी भी कदम से कदम मिलाकर परेड में शामिल होगी, जिसके लिए अभी से प्रदेश भर में इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में भी आज 55 स्कूलों के एनएसएस के छात्रों के लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बाकायदा उनकी रिहर्सल भी करवाई जा रही है। इस शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनएसएस के 18 लड़के व 18 लड़कियों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने जाएंगे, जहां से चयनित होने वाले छात्रों को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमीरपुर के बाल स्कूल में आयोजित शिविर में जिला के विभिन्न स्कूलों से आए एनएसएस के दो दो छात्रों ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स ने परेड के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों व बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। शिविर से हमीरपुर जिला के 18 लड़के व लड़कियों का चयन किया जाएगा, जो प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि आज आयोजित शिविर में भाग लेने वाले छात्रों से चयनित छात्र अगले शिविर में भाग लेंगे, जहां से चयनित छात्र शिमला के रिज मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेंगे। एनएसएस इकाइयों वाले जो स्कूल्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी स्कूल से दो दो कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए गए हैं, ताकि 18 बच्चों को आगे 18 लड़कियां 18 लड़के सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा गौनपुर बनेड़ा में। बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इसमें अभी फ़िलहाल 55 स्कूल जो हैं वो पहुँचे हैं हमारे, 74 स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल के जो पार्टिसिपेंट हैं वो नहीं आए हैं अभी तक। बनेड़ा में जाके उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर तो उनको परेड के लिए तैयार किया जाएगा।